बिना गैस जलाए 5 मिनट में सिर्फ 3 ही चीज़ों से हम एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनाने वाले हैं। ये रेसिपी जितनी दिखने में अच्छी है उतनी ही खाने में भी बहुत ही बढ़िया है। तो इसके लिए सबसे पहले हम आधा कप जितनी चीनी लेंगे, इसे बहुत ही बारीकी से पीस लेंगे। चीनी बहुत ही अच्छी तरह से मैंने पीस ली है। चीनी को मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। अब इसी मिक्सर जार में 1 कप जितने मूंगफली के दाने लेंगे, इसको भी हम बारीकी से पीस लेंगे। मूंगफली का मैंने फाइन पाउडर बना लिया है। अब हम एक बाउल लेंगे और उसमें जो मूंगफली का पाउडर बनाया था वो सारा ले लेंगे। अब पीसी हुई चीनी डालेंगे आधा कप जितनी। आपको जितना मीठा पसंद हो आप उसमें चीनी उस हिसाब से डाल सकते हैं। 1/4 कप जितना मैंने नारियल का बूरा डाल लिया है वो भी डाल देंगे। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे। अच्छे से मैंने मिला लिया है। अब हम उसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे और फिर से मिला लेंगे। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दूध ऐड नहीं करना है। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छी तरह से मैंने आटा को गूंथ लिया है। अब इसको हम अच्छी तरह से रगड़ के 2 भाग कर लेंगे। 1 भाग में हम ग्रीन फूड कलर डालेंगे आधा छोटी चम्मच जितना। इसको अच्छे से मिला लेंगे। इसी तरह से दूसरे भाग में हम ऑरेंज फूड कलर डालेंगे, वो भी आधा छोटी चम्मच जितना ही। इसको भी हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। बहुत ही बढ़िया तरीके से दोनों भाग मैंने तैयार कर लिए हैं। अब जो ऑरेंज फूड कलर वाला भाग है उसमें से थोड़ा मिक्सर लेंगे और उसको गोल शेप देंगे। बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये भाग। इसी तरह से मैंने ग्रीन भाग का भी गोल शेप बना लिया है। इस ग्रीन भाग को हम दोनों हाथ से प्रेस करेंगे और जैसे हम वड़े बनाते हैं ना, बस उसी तरह से इसको भी बना लेंगे। ऑरेंज भाग को हम ये ग्रीन भाग में रख देंगे और अच्छे से कवर कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा भाग है इसको हम निकालेंगे। अब हम फिर से गोल शेप बना लेंगे। इसी तरह से सभी बॉल्स बना लेंगे और इसको हम फ्रीज़र में सेट होने के लिए रखेंगे। ये पूरी तरह से ठंडे हो जाए फिर ही हम उसको कट करेंगे। ये ठंडा हो गया है, अब हम उसको कट करेंगे। आप देख सकते हैं ये रेसिपी बहुत ही बढ़िया दिख रही है। मेरी ये मेहनत और मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा।